आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पानी को लेकर, क्या समस्या है और कब से ये समस्या है? ये समस्या काफी दिनों से है और लगातार बनी हुई है। इस समस्या से यहाँ की कम से कम 20,000 की आबादी, महिला से लेके बच्चे से लेके घरेलू सारे लोग परेशान हैं। और इस भीषण गर्मी में उनको पानी तो सबको चाहिए, इस भीषण गर्मी में बच्चे तरस जा रहे हैं पानी के लिए। अच्छा, क्या कारण यहाँ पानी की समस्या क्यों है? देखिए, ये खनन क्षेत्र भी है, यहाँ पर सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि यहाँ हैवी जो ब्लास्टिंग होती है, हैवी ब्लास्टिंग की वजह से पानी का जल स्तर नीचे चला जा रहा है। बड़ी बड़ी खदानों में नीचे तक पूरी गहराई तक खोद दे रहे हैं, जिससे कि पानी का भूगर्भ का स्तर पूरा नीचे चला जा रहा है। कितने फीट नीचे पानी हो गया यहाँ पे? करीब 300 फीट, 350 फीट, 400 फीट, 500 फीट भी कराने पर पानी निकल जाए, लोगों का 1-2 लाख रुपये लगने के बाद भी उन्हें पानी मिल जाए तो गनीमत मानिए। वो भी इस मोदी सरकार में, जहाँ पे प्रधानमंत्री ने घर घर नल योजना तक लागू कर दी है। और यहाँ पर हम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, घनी आबादी का क्षेत्र है, बावजूद इसके यहाँ हैवी ब्लास्टिंग की वजह से, यहाँ खनन की वजह से यहाँ पानी का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ पर जांच करानी चाहिए और पानी की व्यवस्था जनता को हम लोगों को देनी चाहिए ताकि लोगों को पानी से राहत मिल सके। हर घर नल योजना लागू करो, नल से मुझे पानी दो, पानी दो, नल से मुझे पानी दो, हर घर नल योजना लागू करो, परमानेंट उठाए रहा। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी, क्या मामला है? हम लोग का सर, खरटिया एक ऐसा क्षेत्र है, बालू क्षेत्र है और अत्यंत गरीब क्षेत्र है और यहाँ पर पानी के लिए पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर तो पहले पानी नहीं मिलता है और बलुई क्षेत्र में भी बोरिंग संभव नहीं है और यहाँ पर गरीब आदिवासी लोग निवास करते हैं और यहाँ पर लोग पानी पीने के लिए तरस गए हैं। और प्रधानमंत्री की हर घर नल योजना जब तक लागू नहीं होगी तब तक यहाँ पर खरटिया में पानी की समस्या से समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या वजह है कि पानी नहीं आ पा रहा है यहाँ पर? पता नहीं क्या सर, एक बार सर्वे हुआ कि नल से पानी आएगा लेकिन उसके बावजूद भी फिर पानी यहाँ पर नहीं आया गया। तो मैंने एक बार जो है सिंचाई विभाग के एक्सीएन से पूछा था, उसमें एक अखबार में निकला था कि पानी की समस्या के लिए आप पूछ सकते हैं। मैंने लगाया, पूछा कि भाई ये यहाँ पर हर घर नल योजना लागू होने की नल से पानी आना था तो क्यों नहीं आया? तो कहें वहाँ पर तो 26 लाख की 3 टंकियाँ लगी हैं, 84 लाख का जो है वहाँ पर पानी हो गया। उस 84 लाख से कोई मतलब नहीं है, शायद उस 84 लाख से 10 या 15 घर पानी पीता होगा, ऐसे इस तरह से दुरुपयोग हो रहा पानी पर हमेशा। नगर पंचायत द्वारा कम से कम करोड़ों रुपया साल भर में खर्च होता है, तब पर भी यहाँ की जनता पानी पीने के लिए तड़प रही है। और जब डीएमओ से शिकायत किया है, हमने सर नमामि गंगे के एडीएम आशुतोष, हमने जो है नमामि गंगे के एडीएम नमामि गंगे आशुतोष दुबे जी से मैंने इसकी कंप्लेंट कराया था कि सर यहाँ पर गरीब आदिवासी जनता है, यहाँ पर पानी पीने का सब लोगों का एक होना चाहिए जो है, इसके लिए बोले कि नहीं लागू कर दिया जाएगा। लागू केवल आश्वासन और फीम रूपी आशा हम लोगों को पिला करके जो है हम लोग यहाँ पर आज पानी के लिए, आज देख रहे हैं सर पूरी जनता जो है आज रोड पर उतर आई है। हम लोगों का यहाँ के डीएम महोदय से और हमारी आवाज़ यदि
मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तक बातें पूछती हैं, तो कृपया इसको संज्ञान में लेकर के इस गरीब आदिवासी जनता को खुशहाली के लिए चाहते हैं और तो अति शीघ्र यहाँ पर न हर घर नल योजना लागू किया जाए।